अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहीर फिशिंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनमें से एक आसिफ भाई पुना के हैं। उनके उनकी एक फरमाइश थी कि दोस्तों, बाइट कास्टिंग जो रील है वो कैसे चलाए जाते हैं, इसका बैकलैश उनको बहुत आता है, तो इसके बारे में, एक सेटिंग के बारे में उनको एक वीडियो बनाने की उनकी फरमाइश थी। तो आज उनकी फरमाइश के हिसाब से एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बाइट कास्टिंग जो मैंने रील ली है वो फिशर किंग की सी कास्ट है, और जो बाइट कास्टिंग रॉड है वो पेंटम स्नैपर है 7 फुट का। और इसमें जो मैंने लाइन, जो रेनो लुकाना की रेनो ये लाइन लगाई हुई है, तो दोस्तों इसकी सबसे पहले बैकलेस जो आता है, इसका जो प्रॉब्लम है उसके दोस्तों बहुत सारे सेटिंग है इसमें। वो सेटिंग लूर के हिसाब से आपको लगाना है। अगर लूर के हिसाब से आपने उसकी सेटिंग लगाएंगे तो आपको बैकलैश बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में मैं भी स्पिनिंग रील से खेलता था, मुझे भी बहुत सारे लोगों के देखता था, बैकलैश आते हैं तो ये प्रॉब्लम बार बार आते रहेंगे, तो मुझे भी वो पसंद नहीं था। लेकिन जब से मैंने चलाना शुरू किया है, इसकी सेटिंग वेटिंग जब से मुझे वो जानकारी हासिल हुई है दोस्तों, तब से मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो मैं आपको इसकी बैकलैश की जो नहीं आने के लिए जो सेटिंग है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। पहले तो आप देखिए ध्यान से कि मैं आपको क्या क्या दिखाता हूँ। ये जो है दोस्तों, ये हर एक रील में रहता है, ये मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम रहता है, जो ये अपना अंदर का ड्रैग है, जो ये स्पूल है, स्पूल को ये मैग्नेटिक हिसाब से छोड़ते रहता है, पकड़ते रहता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम है ये। मैं तो ये हमेशा 4 और 6 के बीच में लगाता हूँ इसकी सेटिंग। अगर ज़्यादा हवा रहेंगी दोस्तों तो उस हिसाब से आपको बढ़ाना है। अगर आप इसका कम से कम तो 4 के ऊपर ही रखना है इसको, ठीक है। और जो दूसरा इसका लूर सेटिंग है दोस्तों, ये इसका हर एक रील को रहता है, ये लूर सेटिंग रहता है। अब इसमें मैं देखो दोस्तों, 20 21 ग्राम का मुलर फ्रॉग लगाया हूँ। अब देखिए आप, लूर मैंने उधर लगाया है और इसका मैं बटन नॉब गिरा रहा हूँ नीचे, और इसको मैं छोड़ रहा हूँ नीचे। इधर इधर दिखा, इसको मैं नीचे छोड़ रहा हूँ ऐसे ढीले। ये छोड़ने के बाद में ये स्पूल उल्टा घुमा दोस्तों, देखा आपने, तो ये बैकलेश आता है इसका इस तरह से, क्योंकि लूर सेटिंग हमने नहीं की है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये सिस्टम है इसका, तो ये बैकलेश आने का स्टार्ट होता है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों बिगिनर्स के लिए है, जो हमेशा चलाते हैं उनको तो सब कुछ मालूम है। और एक बार दिखिए भाई, थोड़ा उधर दिखाओ, ये लूर सेटिंग है। आपको लूर ऐसे लगाना है, कितने भी ग्राम का लगाओ, और इधर दिखाओ, मैं इसका बटन गिरा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, देखा उल्टा घुमा, तो इससे क्या होता है, बैकलेश आने के चांसेस रहते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा टाइट करना है दोस्तों, आपको सेटिंग लगाने के लिए टाइट करना पड़ेगा, फिर आपको देखना है, फिर भी आ रहा है, ठीक है, फिर भी बैकलेश आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग और बढ़ानी पड़ेगी, इसको ऊपर घुमाना है इसकी सेटिंग, ठीक है। अब देखिए, अब बैकलेश, अब उल्टा नहीं घूम रहा है दोस्तों। देखो लूर मैंने लगाया, और ये जो लूर सेटिंग है इसकी मैंने सेटिंग बढ़ाई हुई है। अब देखिए, अब उल्टा नहीं घूम रहा है, तो ये बैकलेश इसका नहीं आएगा दोस्तों, देखें। तो आप कोई कितने भी ग्राम का अगर लूर लगाएंगे तो पहले उसका सेटिंग आपको देखना है, ठीक है। और ये जो है, ये ड्रैग है, इसको टाइट करना हमेशा, मरल जब भी खेलते हैं तो इसको फुल टाइट करना है कि धागा नहीं निकले, ठीक है। इस हिसाब से इसकी सेटिंग रहती है, बैकलेश बिल्कुल भी नहीं आता है इससे अगर आप खेलेंगे तो, देखा दोस्तों ये है। और इसका गियर रिशू जो है 6.3.1 है। गियर रिशू का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये इस साइड से इस साइड तक आने तक ये 6 बार घूमता है, ठीक है, ये इसका गियर रिशू है, यानी स्पूल 6 बार घूमता है। अब इस साइड से अगर मैं इस बार लूँ तो ये 6 बार राउंड हुआ,
अगर गियर इश्यू ज़्यादा रहेगा दोस्तों, 7+ रहेगा गियर इश्यू, तो आप जब भी उसको खींचेंगे तो लूर बहुत फास्ट आएगा, ठीक है। अगर आप गियर इश्यू वाला अगर आप रील ले रहे हैं तो आपको स्लो स्लो खींचना है, क्योंकि गियर इश्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो लाइन धागा फास्ट खींचती है और लूर फास्ट आता है, तो समल को क्या है अटैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी रील लीजिए, सेटिंग सेम ही रहेंगी सबकी, इस हिसाब से सेटिंग लगाना है। और दूसरी एक खास बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो मेरे भाई हैं, नए एंगलर्स हैं या पुराने एंगलर्स हैं, जो भी हैं बाइट कास्टिंग रील लेते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो गियर रहते हैं वो फाइबर के रहते हैं, ठीक है, फाइबर के गियर रहते हैं। तो मैंने भी ये जब भी रील लिया था, इसको फाइबर के ही गियर थे, सिर्फ 2 महीने मरल निकाली इससे, मेरे गियर दोनों खराब हो गए, स्लिप हो गए, और रील मेरी कुछ काम की नहीं, एक वेस्ट हो गई थी। तो इसी तरह से मुझे एक बंदे का कांटेक्ट नंबर मिला जो राजस्थान में रहते हैं, खबीब अहमद उनका नाम है दोस्तों। तो मैंने ये रील उनके पास पार्सल से भेजा, उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे ये रील में जो प्लास्टिक के गियर थे वो निकाल के मेटल के गियर लगा के दिए, और तब से दोस्तों ये रील मस्के की जैसी चल रही है। अब तो मशीन ख़राब हो जाएंगी लेकिन गियर ख़राब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, जितने भी एंगलर हैं, रोज़मर्रा का काम करके पैसे कमा के थोड़ी थोड़ी सेविंग निकाल के इतने महंगे महंगे हम लोग आइटम्स लेते हैं, और जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं, गियर ख़राब से होते हैं, तो ये मार्केट में किधर भी अवेलेबल नहीं मिलते। ये लोग जो कंपनी वाले रहते हैं, ये हम लोगों को इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं करते, तो ये मशीन बेकार हो जाती है, इतना पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र से यूट्यूब चैनल जहीर भाई, जिनका यूट्यूब चैनल है, उनकी रील आई थी, 2 रील है फिशर किंग की। इसमें तो हमने गियर और बेयरिंग दोनों डाल दिए हैं, और इसके अंदर भी दोनों बेयरिंग कंपनी ने इसमें फाइबर के पूछ दिए थे, ये वाले जो हटा के हमने बेयरिंग डाले हैं, और ये फाइबर के गियर दिए थे कंपनी ने, दोनों रीलों में ख़राब हो गए थे, जो दोनों के हमने चेंज करे हैं, दोनों रीलों के मेटल के बना के डाले हैं, स्टील के। और आप जब भी रील में ऑयल कभी ना दें इसमें, क्योंकि आप रील के अंदर ऑयल देते हैं तो ये ड्रैक के अंदर ऑयल पहुंच जाता है इसके, जिसकी वजह से ये ड्रैक इसकी ड्रैक कैपेसिटी कम हो जाती है। आप जब भी रील की सर्विस करें तो इसमें बारीक पतला वाला ग्रीस डालें, जिससे ऑयल ग्रीस इसमें ना जाए ना ऑयल इसमें जाए ड्रैक के अंदर, जिससे ड्रैक कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर ऑयल इसमें चल जाता है तो वाइशर चिकने हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैक कैपेसिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, इससे आप छुटकारा अभी पा सकते हैं। जितने भी मेरे एंगलर्स भाई लोग हैं, उनकी अगर बाइट कास्टिंग रील अगर ख़राब है, तो गारंटी से ये खबीब अहमद इस रील को बनाएंगे। कोई भी रील हो, कोई भी इश्यू हो, इसका गियर का प्रॉब्लम हो या बेयरिंग का प्रॉब्लम हो, ये बना के देंगे। मैंने ये 2 रील बना के लाई हैं, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसे आने वाले अगले वाले वीडियो में देखिए मैंने इस रील से कैसे संभल पकड़े हुए हैं दोस्तों। तो वीडियो कंटिन्यू दिखिए एंड तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और मैं इनका जो खबीब अहमद का जो नंबर है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी रील बेफिक्र उनको भेजिए, पार्सल कीजिए, वो आराम से आपकी रील बना के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद ना हो दोस्तों। मेरा यही है, एक मेरा एक ध्येय है जो बोलने का, बाकी इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मेरी 2 रील खराब हुई थी, ये वेस्टेज पड़ी हुई थी, ये फेंकने के लायक थी, क्योंकि इसकी कोई पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये बंदे के पास से बनाई, ये 2 रील मेरे अच्छे हो गए हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा बाइट कास्टिंग का सेटिंग मैंने बताया हुआ है, इस तरह से सेटिंग आप लगा के खिलिए, आपका कभी लूर का बैकलैश नहीं आएगा दोस्तों। और वीडियो एंजॉय कीजिए दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मैं देना चाहूँ, कैसी लगी आपको बताना कमेंट्स में।
और आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।